भैया यहाँ से निकल दिए और अब निकलना है सीधा यहाँ से धाई देवी के मंदिर पे। धाई देवी का टेंपल पकड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से ऊखी मठ आज ही निकलेंगे क्योंकि जल्दी पहुँचना है, कल ऊखी मठ से डोली निकलेगी। छोटी सी मार्केट है गलियों में। फाइनली भैया अब मैं निकल चाहूँगा यहाँ से लिफ्ट लेने के लिए, यहाँ से मैं पकड़ूंगा लिफ्ट, पोस्ट निकल गया बस से और पहुँचना है सीधा धाई देवी फटाफट। ये पूछिए भाई केदारनाथ जाने के लिए, केदारनाथ श्रीनगर धाई देवी सब इधर से निकलना पड़ेगा। व्यू देख रहे हो, यहीं से पकड़ो फटाफट लिफ्ट, देखते हैं बाइक वगैरह मेरे को अच्छी बात है आप बता, बाकी तो भाई शायद बड़ी गाड़ी मुश्किल मिलेगी मेरे को, तो बस बाइक पकड़ा बाइक ही इजी पड़े पहुँचाएगी मेरे को। यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है पूरा धाई देवी और मेरे को दो ढाई घंटे पहुँचना है अपना बस। अब अगर लिफ्ट मिली तो लिफ्ट यहीं से मिलेगी जहाँ मैं हूँ ब्रिज पास करने के बाद, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा रास्ता ऊपर वाला है चढ़ाई एकदम, तो थोड़ी देर वहीं पे वेट करना पड़ेगा यहीं पे जो इजी मिलेगी, वरना बाकी वो भाई कहीं पे चांस नहीं लिफ्ट मिल लेगा ना। एक डी सी एम आ रहा है पीछे देखते हैं, छोड़ता है तो अच्छी बात है। अच्छा उत्तराखंड अपना कहीं पर कोई दिक्कत आने की नहीं वैसे, देने पड़ेंगे छोड़ो अच्छी बात है। कहाँ से हो भैया? मेरे को तो धाई देवी जाना है। कितने तक कहाँ जाओगे? धन्यवाद भैया, चलो भाई वहाँ तक तो नहीं है पर थोड़ी बहुत दूर ही है, जहाँ भी है हो जाएगा काम। तो अभी जो मेरे को लिफ्ट मिली है वो है मलेता तक, श्रीनगर से 8-7 किलोमीटर पहले पड़ता है, मतलब श्रीनगर तक ही समझ लो पहुँच गया हूँ मैं। उसके बाद वहाँ से रूट पकड़ी धाई देवी और आज ही रुद्रप्रयाग पहुँचना है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद फिर ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, वहाँ पर स्टे करेंगे और अगले दिन ऊखी मठ। फाइनल भाई पहुंच गए हैं मलेथा, यहीं तक भाई के साथ थे हम, अब यहाँ से चलना है आगे। ओके भैया मिलते हैं आपसे। अब यहाँ से पकड़नी है आगे मेरे को, और देखनी है फटाउट। भैया पहुंच गया हूँ श्रीनगर, अब यहाँ से लिफ्ट पकड़ूंगा सीधे धाई देवी के लिए। यहाँ से धाई देवी पड़ा है मुझसे 15 किलोमीटर समथिंग, और तो बस पहुँचते हैं, पता नहीं पहुँच कहाँ होगा, उससे कॉल करके देखता हूँ कहाँ होगा कहाँ नहीं, अभी वो पीछे जल्दी मिलते हैं।
यहाँ से धाई देवी पड़ती है 7 किलोमीटर, और इस टाइम में बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हूँ। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ जिससे पूछो ना कि बरसात में क्या माहौल था, सभी बोलते हैं बरसात में बहुत ज़्यादा डर लगता है, बड़ा खतरनाक एरिया है, क्योंकि इधर कभी पहाड़ वहाड़ कैसे जाते हैं भाई साहब, सभी को पता है पहाड़ों में क्या सीन होता है। खैर जो भी है, अभी लिफ्ट देते हैं फटाफट, देखते हो कहाँ कहीं पाते मिलने मिलेगी। कहाँ से जाओगे भाई? जेओ कितना किलोमीटर होगा? चलो भाई कोई नहीं, बैठते हैं, चलो थोड़ा सा आगे। चलो मैं जाऊँ धाई देवी, हरिद्वार। हाँ लिफ्ट लेके चाहेगा। फाइनली 2 किलोमीटर तो मिली है, अब देखते हैं उसके बाद और मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे लिफ्ट जल्दी में जाती है, तब उतनी नहीं लगा था, थोड़ा हार्ड पड़ेगा, हार्ड कुछ नहीं है, आराम से होगा काम। थोड़ा पहुँचते हैं, आज दूसरे ब्लैक का टारगेट रहेगा, उस ब्लैक के बाद इसके वही होगा, फिर कल देखते हैं कहाँ तक पहुँचना है। चल तो फाइनली भाई ये एक होटल पड़ता है यहाँ पे NS-07 के नाम से, हाईवे के नाम पे ही है। और ये भाई है, ठीक है, मेरे को कहाँ छोड़ा है, अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से फटाफट आगे, क्योंकि दोस्त आगे होके भैया मिलते हैं। चलो भाई चलते हैं। धाई देवी के लिए और ये भाई छोड़ने जा रहे हैं, और इसके बाद स्टेशन पर आते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, थोड़ा व्यू देखेंगे उधर का। हाँ इधर के पहाड़ बड़े खतरनाक लगते हैं भैया। अच्छा इधर बरसात का कैसे होता है? बरसात में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है थोड़ा बहुत। हाँ तो भाई पत्थर तो बहुत गिरते रहते, बहुत रहता है ज़्यादा। भाई दाई देवी के मंदिर पहुंच चुका हूँ, वो पीछे मंदिर पहुँचे हूँ, लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी लंबी लगी ना, बहुत लंबी लाइन देख लो, पूरी रोड मतलब पूरा रास्ता खराब है, परेशानी मतलब कबाट बंदे आज के लिए क्या हो रहा है पता नहीं, ज़्यादा भीड़ है भी, लाइन में लगना पड़ेगा, शाम तक नंबर आएगा, कोई नहीं यार धन्यवाद उसको। और इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी है, जो सबसे पहले तो बोलते हैं कि भाई जो धारी माता है वो चारों धामों की रक्षा करती है, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, है ना। और यहाँ पे जो धाई देव माता का जो मंदिर है, ये यहाँ पे जो इसकी पूजा होती है वो होती है इनके सिद्ध की पूजा। धाई देव माता को दो भागों में पूजा जाता है, कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले इनके साथ भाई हुआ करते थे, और मतलब ये उनको प्रेम करती थी पर इनके भाई को पसंद नहीं करते थे, तो उनमें से अका मतलब कहते हैं ना कि अचानक ही सात में से 5 भाइयों की मृत्यु हो गई थी, और उनमें से 2 बचे थे, तो उन दोनों ने ये डर की वजह से कि कहीं उनकी जानों को खतरा ना हो, उन्होंने धारी माता के शिशु को काट दिया था और एक अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। और तो यहाँ पे कहते हैं कि फिर यहाँ पे एक ये कलसर छोटे नाम का जो गांव है, यहाँ पे किसी एक आदमी ने नदी में देखा था माता रानी, उसका माता रानी का सिर जो डर था उन्हें लगा मतलब कि पूरी बॉडी शायद पानी में डूब दी है, तो पानी बहुत ज़्यादा तो बचा नहीं पाए, फिर एक आकाशवाणी हुई थी कि आओ मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम है ना, और तुम्हारे रक्षा मैं करूँगी, तो जब तुम जहाँ जहाँ पे रखोगे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती चली जाएगी। अब उसे लगा कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो उसने जब कोशिश की पानी बढ़ने की तो ऐसा रेल हुआ पैक, और
ये भी कहते कि वो जो सीढ़ियाँ थी कुछ टाइम पहले तक दिखती थी, बट जब से वो पहले आई थी उसके बाद से वो नहीं दिखती अब। तो फिर उसने यहाँ पे जो शीश निकाला, फिर जब उसने उस शीश को उठाया चला पता कि वो तो केवल सर है, नीचे का कोई हिस्सा वो नहीं है। तो फिर से आवाज़ आई उसी धड़े हुए, मतलब जो सर था उससे फिर आवाज़ आई कि मैं मायावी देवी हूँ जो भी है, मतलब कि हाँ मेरे में शक्ति है मायावी, और मेरे शीश को कहीं पे स्थापित करो। तब यहाँ पे उनको शीश को कहते पत्थर के ऊपर, और पत्थर की जो मूर्ति थी उसने पूरे शरीर का आकार ले लिया था। तब से यहाँ पे उनके शरीर की पूजा होती है धाई देवी के रूप में, और जो उनका दूसरा हिस्सा है बाकी धड़म उनकी पूजा होती है काली मठ में जो है रुद्रप्रयाग के पास। यहाँ से निकलेंगे भी रुद्रप्रयाग में, वहाँ पर दर्शन करेंगे। ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि जो धाई देवी का मंदिर है उसकी दो भागों में पूजा की जाती है, ठीक। और ये एकदम अलकनंदा के बीचों बीच है, और इसकी जो पावर मतलब शक्ति है ना कि हाँ अलग माता में शक्ति है, पावर है, इस चीज़ का पता भी गवर्नमेंट को शायद तभी लगा जब अभी 2013 में इस मंदिर को यहाँ से हटाने के लिए बात रखी गई थी कि यहाँ से हटाया जाएगा और कहीं और शिफ्ट होगा। तो जब इसको यहाँ से हटाया था पुजारी ने माना किया, लेकिन नहीं माने तब हटाया गया। तो उसके 2-4 घंटे बाद ही बहुत बड़ी पहले आ गई थी थे। तब से अब तक तो सब कुछ सही है, और आशा करते हैं कि सब सही होगा। अभी तोश गया दर्शन करने, मैं निकलता हूँ दर्शन करने के लिए फटाफट। तो यहाँ से मैं निकलना है रुद्रप्रयाग, क्योंकि यहाँ रुकने का स्टे हमारे पास नहीं है आज, हमें जल्दी जल्दी केदारनाथ निकलना है। तो दर्शन करने चलते फटाफट। पहले इस टोले से पार किए थे आदमी को, फिर ये बाद में ब्रिज बनाया गया, ये वाला ब्रिज ना ये बाद में बनाया गया। उससे पहले इस टोले से आदमी इधर जाते थे उधर जाते थे, देखो ये ब्रिज तो बाद में बनाया गया है। फाइनल भैया दर्शन हो गए हैं, और अब जाना से रुद्रप्रयाग निकलने के लिए, अभी फटाफट निकलना है, काफ़ी टाइम हो गया, शाम तक रुद्रप्रयाग पहुँचना है, उसके बाद वहीं पे स्टे होगा आज। तो भाई अभी निकल चुका हूँ मैं धाई देवी के मंदिर से, और कोशिश कर रहा हूँ अगस्त महीने तक पहुँचूँ। वैसे रुद्रप्रयाग का प्लान था 20 किलोमीटर यहाँ से, पर अभी 2:30 बजे हैं तो शायद आगे निकल जाऊँगा, 20 किलोमीटर से बहुत आगे चल जाऊँगा, इसलिए अगस्त मुनिया एक लोकेशन पड़ती है आगे, ट्रैक करूँगा वहाँ तक पहुँचने की। और भाई केवल पहाड़ी पहाड़ है, देखो पूरे उसमें देखिए व्यू बड़े मस्त है, देखिए रास्ते व्यू बड़े बेहतरीन है। 60-64 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से अगस्त मुनि, ट्राई कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने का, वरना जहाँ तक पहुँच जाएगा वहाँ तक पहुँचेंगे। चलो एक लिफ्ट मिली मुझे यहाँ से सीधा रुद्रप्रयाग के लिए, घाघरा में बाइक वाली बहन बता दो मेरे को,
वहाँ से सीधा उधर ट्रैक के लिए निकला हूँ। और इधर की भाई साहब मतलब पैदल चलते तो भाई बहुत डर लगता है, पहाड़ों को देख देख के इतना पहाड़ देखता हूँ उतना डर लगता है। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत मेल तो होगा। हाँ यहाँ के जो लोग हैं उनकी बात अलग है, वो तो भाई रहते ही बस देखते हैं अगला सफ़र कैसा है। आज सोचा हूँ अगस्त में या जहाँ तक जाए वहाँ तक, शाम होने से पहले जहाँ तक स्टे होगा वहाँ पर रुक लेंगे, वरना चलते रहना है। भाई यही होटल है जो यहाँ से फिर सीधा बद्रीनाथ वगैरह के लिए निकला करेगी, काफ़ी रास्ता कट जाएगा इससे। और अभी तो पर्सनल में चली रहा है, काम हो जाएगा 25 या 26 तक स्टार्ट हो जाएगी, शायद 25 में स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि पर्सनल काफ़ी तेज़ी चल रही है यहाँ पर, भी जल्दी बनने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों प्रयाग का रास्ता एक ऊपर से कट जाता है ठीक, और ये जा रहा है बाईपास, बाईपास से निकल रहा हूँ क्योंकि भाई वो जो ऊपर वाला रास्ता है वो कर दिया बंद, उधर काम चल रहा है कल का जो भी है, तो उधर से गाड़ी नहीं जा रही आगे से बंद है वो। अब सारे रास्ते इधर मतलब सारी की सारी गाड़ियाँ इधर से निकाल रखी उन्होंने, अब इधर से निकलते हैं हम भी देखते हैं भाई, तो ऊपर से बस जा रही नहीं जा रही यहाँ से। व्यू भाई साहब बड़े उसमें इधर से बाइक वगैरह थोड़ी कम चल रही है भाई साहब, पता नहीं टाइम से पहुँचूंगा नहीं, और वहाँ सामने दूसरी बजे आ गए यार, मुझे नहीं पता किस जाए जाएगा आज, कोशिश करें बस पहुँच जाए टाइम से। बस कार बार दिखाई दे रही है, और भाई ये है केदारनाथ भंडारा, 10 मई से 10 जून तक चलेगा केदारनाथ मंदिर के सामने, ये पूरी मैपिंग है इसकी केदारनाथ जाने के लिए ना, पूरा रास्ता दिखाया गया है कैसे कैसे जा सकते हो, बढ़िया एकदम। यहाँ पहुँच गया तिलवाड़ा, यह तिलवाड़ा की मार्केट, तो भाई अगस्त मुनि आ गया हूँ और अब बस गेट तो आएगा फटाफट, यहाँ पे सोचा यहीं पे रुको आज, यहाँ पे सामने आश्रम भी है अगस्त मुनि आश्रम, देखते हैं अपना टेंट वगैरह कहाँ लगाएंगे। भाई ये भाई भी है देख रहे हो, केदारनाथ के लिए भैया आश्रम में रुकाऊँगा, आश्रम के बाद अब यहाँ पे आए हैं नहाने के लिए क्योंकि आश्रम में नहाने की जरूरत नहीं है, तो ये नदी है और इसी में डुबकी लगाएंगे आराम से हम। ये है मंदाकिनी,
यहाँ पे चेन वगैरह पकड़ने का सिस्टम नहीं, बस बीच में घुसो, नाव धो और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, पानी तेज होना। हाँ मंदा नहीं होगी, यहीं पर नहाने वाले हम फटाफट। और सूरज दिखाऊँ अगर दिख रहा हो तो, छुप गया आप तो भाई, बड़ा बेहतरीन सनसेट था। चलो फिर नहाते फटाफट। भाई साहब यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है ना, पानी बिल्कुल एकदम देव प्रयाग पे तो बिल्कुल ठीक ठाक था, पर यहाँ पर सुबह ठंडा है पानी। अभी भी नहा दो घटे सब कुछ दिखा दोगे, सौ के सब नहाए। अरे भाई निकलते हैं फटाफट। तो भैया नहा दो के पहुँच रहे आश्रम, वहाँ पे थोड़ा खाना वाना खुद बनाना है आज, क्योंकि उस आश्रम में यह है ना कि भाई बनाओ खाओ, सारा सामान उन्होंने दे रखा है, आटा वाटा सब दिया है, गैस चूल्हा सब है, तो कह रहे खुद बनाओ, मैं खुद बनाना आता नहीं ये बनाएगा ठीक, जितना मैं पता उतना बनाऊंगा भाई, मजा आएगा। लेकिन फाइनल भैया खाना पीना खा के अब टाइम है सोने का, और कल निकलेंगे आज सीधा सोनप्रयाग, या फिर एक आता है रास्ते में गौरीकुंड, गुप्त काशी जहाँ पे बाबा की डोली रुकेगी कल, केदारनाथ बाबा की डोली, क्योंकि वो निकलेगी कल उखीमठ से सुबह 6 बजे, और दोपहर को 2:30-3 बजे तक पहुँच जाएगी आराम से गुप्त काशी में। तो उसका दर्शन करने के बाद हम सीधा सोनप्रयाग, लास्ट डे का टूर हमारा वो बचा, उसके बाद सीधा केदारनाथ, फिर तो केदारनाथ में मजे मजे। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट। तो फाइनल भैया अगस्त मुनि से निकल दिए हैं, और अब जा रहे हैं यहाँ से गुप्त काशी, क्योंकि आज बाबा की डोली 2:30 बजे समथिंग गुप्त काशी में रुकेगी, तो वहीं पहुँचने का प्लान है। पार हो चुका है ठीक है, और यहाँ से जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, मौसम ठंडा होता जा रहा है हल्का हल्का, और आगे आगे ठंड भी थोड़ी बढ़ती रहेगी। कह रहे हैं कि मतलब कि गुप्त काशी और गौरीकुंड सोन पर जाके बाद बर्फ़ दिखने लगेगी, उससे पहले तो मतलब नॉर्मल मौसम है जैसा है, बट ये है कि ठंड हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। देवप्रयाग में जो नाइट का टेम्परेचर था वो 27-28 था, कि गुप्त काशी में तो यहाँ पे 19 डिग्री तक गया है, उससे आगे जाकर 2 माइनस किया मतलब वो लो हो जाएगा। सोन प्रयाग के बाद ठंड बढ़ जाएगी, तो मैं स्लीपिंग बैग उस टाइम काम आएगा बढ़िया, लेकिन ठंड यहाँ भी लग रही है इतनी नहीं है, यहाँ थोड़ी कम है, वहाँ पे भाई टेम्परेचर अभी -1 समथिंग चल रहा है। तो चलो अभी और आगे चलना है, यहाँ से मैं पकड़ूंगा सीधा आज अगस्त वो क्या नाम है अगस्त बता रहा हूँ, ये आपका गुप्त काशी जो आपका टेम्पल है वहाँ पर, ये बाबा कह रहा आपकी डोली आएगी जो उखीमठ से उठेगी ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा उसको दर्शन करेंगे, फिर सीधा सुन प्रयाग, उसके बाद ट्रैक करके 4 किलोमीटर का अपनी पड़ता है वहाँ से प्रयाग से 4 किलोमीटर छोटा रास्ता, उसके बाद 16-22 किलोमीटर केदारनाथ बाबा।
भैया ये है उखी मठ सामने, यहाँ से डोली आएगी और इसी रास्ते से आएगी, इसलिए हम रास्ते में पहले जाके वेट कर रहे हैं बस। भैया डोली आ गई है, वो देखो वहाँ पे ये शॉर्टकट रास्ते से आ रही है, काफी लोग वेट करेंगे डोली का, फिर काफी लोग डोली के साथ जाएंगे, हम काफी वेट करेंगे। और ये है काली मठ जहाँ थाई देवी का माता का दूसरा हिस्सा है। तो भाई डोली आ गई है और अब हम पहले पहुँचने वाले काशी में रुकेंगे, 2:30 बजे तक, शायद 2 बजे से पहले डोली पहुँच जाएगी वहाँ पे, इधर शॉर्टकट लिया है, शॉर्टकट ये सामने उखी मठ है इसे। तो अभी तो काशी पहुँच के आराम करेंगे, फिर अगर हो सकता है अगर टाइम रहा जिसके पास फोन पर निकलेंगे वरना स्टे काशी में करेंगे। तो भाई बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच गए गुप्त काशी, अब ये मंदिर का मेन द्वार है वाला, यहीं से जाकर ऊपर क्योंकि डोली रास्ते में है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर पहले पड़ेगी बस, तो वहीं पे आगे रुकेगी वो मंदिर जाके, वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे खाने पीने का जुगाड़ खाने पिएंगे वरना फिर सीधा सोन पे आज निकलना है आज, तो अभी चलना होगा फटाफट मंदिर। भाई आ गए हैं विश्वनाथ के मंदिर और तैयारी बड़ी जोर जोर चल रही है यहाँ पे, क्योंकि डोली आने वाली है, 2.5-3 किलोमीटर बची हो बस, अभी टाइम हुआ है 12 बज गए पूरे, वो 2.5 घंटे पहुँच जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आते हैं यहाँ पे भंडारा वगैरह स्टार्ट हुआ काफ़ी कुछ, मतलब पूरी तैयारी सही तैयारी धमाके से हो रही है बढ़िया एकदम। तो बस और खाली आने का वेट है थोड़ा, रुके हुए आराम से और देख रहे हो पूरे एकदम वेट हो बस। भाई साहब लोग बहुत ज़्यादा आ रखे हैं यहाँ पे इस टाइम, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, एक्साइटमेंट सबके अंदर बड़ी खतरनाक है, भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, हम थोड़ा पहले आ गए, कुछ ऐसे भी यहाँ पर जो 2-3 दिन पहले आकर रुके हुए हैं, हम तो खैर अभी आए हैं आज आए हैं और भीड़ दबा के बढ़ गई और फटाफट आ रहे आ रहे, यहाँ से 2 किलोमीटर वो बची है डोली बस आ रही रास्ते में ही, और आने बाद दर्शन करेंगे रांच तो देखते आगे क्या होगा, तो ये एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर। Oh,
आ गई है और परेशान कर दिया। उसके बाद सारे काम हो चुके हैं, खाली पूजा पाठ होगी सब कुछ होगा। उसके बाद यहाँ रात को हिंद थी और सुबह निकलेगी यहाँ से हटा के लिए। भाई डोली आ गई है, सारे काम हो चुके हैं। साथ में वृंदावन वाले सारे भाई मिल गए। मोटा आ गया, मोटा आ गया, मोटा मेरे पीछे, मोटा आ गया, मोटा मुझे सब पता है भाई। हाँ सब पता है भाई, सब पता है मेरे को। मोटा आ गया, मोटा, अरे मोटा भाई, ये मोटा भाई सिद्धू सबके तो यही मिल गए। देखते हैं, दुखते हैं, नहीं रुकते, कुछ नहीं पता। कोशिश करें यहाँ जल्दी निकल जाए बस। टोली के साथ साथ भाई साहब यहाँ पे मौसम बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ चुका है। मतलब तूफान उफान बारिश भी आ सकती है, कुछ नहीं पता। आंधी वगैरह सब चलने वाली है, बारिश होगी बढ़िया वाली। तो ये देखना है, मुझे कंफर्म नहीं पता, आज यहीं पे रुकेंगे, आप यहाँ से निकलेंगे, कोशिश रहेगी सुन प्रयाग पहुँच जाए। बट इस हिसाब से मौसम के हिसाब से निराग पहुँचेंगे। मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया भाई, तूफान बढ़िया हो चुका है भाई, देख लो बढ़िया आंधी बांधी आ रही, मौसम बिगड़ चला बहुत करके। अब तो खाली बैठे बस, ये देखना है दुकना कहाँ है आज, अभी कुछ नहीं चल रहा पता। मौसम देखो, मौसम काला पड़ गया पूरा एकदम से भाई साहब। अब हम लगे भंडारे में, खाना लेके आ गए बढ़िया एकदम, सब यहीं भुने हुए देख रहे हो, खाना एकदम बढ़िया मिला हुआ देख रहे हो, सब बढ़िया सब मिला था, तो भाई बहुत बढ़िया एकदम। तो वही बाबा की टोली के दर्शन कर लिए, भंडारा भी खा लिया, सब कुछ हो चुका है। अभी आज निकले सोनप्रयाग, आज शाम को सोनप्रयाग पहुंचना है। उसके बाद कोशिश करेंगे कल सुबह से निकलने के बाद शाम तक कल केदारनाथ पहुंच जाए। वहां पे शायद कुछ सिक्योरिटी का इशू बता रहे हैं सब, क्या कि नहीं जान देते किसी को भी, जो भी होगा देख लेंगे। फिलहाल तो आज सोनप्रयाग पहुँचना है यहाँ से, तो यहाँ से निकल लें सीधा। भाई साहब पहुँच गए हैं फाटा, फाटा से मैं यहाँ पे एक इंटर को लीजिए। अब दोनों तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए, आगे निकल गए, हमें दो पीछे बचे बस। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भाई फाटा कॉलेज, जहाँ रुकने का प्लान है आज का हमारा, ठीक है। सोच रहे थे हम कि सोनप्रयाग निकलेंगे, लेकिन सोनप्रयाग का कोई प्लान नहीं रहा। था हमारे साथ एक बंदा है जो कह रहा है कि भाई नहीं मूड नहीं है उसका, पता नहीं उसकी थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग है जो भी है। बट आज यहीं पे रुकेंगे फाटा में, तो यहाँ से कल सुबह निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए। यहाँ पे देखते कहाँ टेंट लगाते हैं, ये दोनों साथ में। कहाँ लगेगा टेंट वेंट? कहाँ से हो? हम हरिद्वार से भैया, आप कहाँ से? चलिए फिर टेंट लगाइए भाई, अब देखते हैं टेंट कहाँ लगेगा। ये स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा पहले बताओ भाई साहब। स्कूल है बच्चों का, कल पढ़ाएंगे हम भाई। ये है यहाँ का कॉलेज फाटा रुद्रप्रयाग, दिखता पूरा नाम लिखा हुआ है। और मैं पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा देख रहा हूँ जो इतना बेहतरीन बनाया हुआ है, फर्स्ट टाइम। खेलने का ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड भी है, सब कुछ है भाई। और भी सब इक्विप्ड रे ना भाई साहब, मैं पहली बार देख रहा हूँ जो वाकई में इतना गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल इतना बढ़िया बना हुआ है। जहाँ मैंने देखा है सब ऐसे बस होते हैं, हो गया काम बस यहाँ पर सब प्रॉपर तरीके से। तो भाई फाटा स्कूल में रुके हुए थे और रात को खाना पीना खा के भी आए हैं, और टाइम है सोने का। और मैं इस टाइम यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई भी तीन चार बंदे हैं, तो उसमें और तीन चार लड़के भी ट्रेनिंग के मैं यहाँ पर ले रहे हैं केदार के। दिखाऊँ यहाँ पे पूरे स्कूल में कितने कैंप लगे हुए हैं देखो। ना 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 भाई, ये मेरा टेंट है, ये एक भाई का है, एक दो तीसरा ये है, चौथा वहाँ पे है। लाइट थोड़ी कम है भाई यहाँ पे,
एक वो है भाई, पांचों के टेंट यहाँ पे लगे हुए। चलो बस आज के लिए इतना ही। और भाई यहाँ पर ठंड इस टाइम इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब वही 16 के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा था, ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाकई में ठंड। इस भाई ने तो भाई साहब ने स्वेटर वगैरह सब निकाल लिए। हाँ अब मैं घुसने लगा खुला के अंदर अपनी, जब मैं स्लीपिंग बैग मैंने लिया। अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर स्लीपिंग बैग ले लिया था, तो इसलिए भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सोनप्रयाग या फिर केदारनाथ पे। तो बाय बाय, गुड नाइट, जय महाकाल।